हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रीम गार्डनिंग। ये आप देख सकते हैं, ये आपके सामने ये मेरा चेरी प्लांट है। तो आज मैं बताऊंगा आपको इसमें कैसे आप एयर लेयरिंग करके अलग से प्लांट बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं चेरी प्लांट का ग्राफ्टिंग करूँगा, मतलब एयर लेयरिंग करूँगा। तो इसके लिए आपको चाहिए एक शार्प ब्लेड चाहिए, और फिर बर्मी कंपोस्ट और नॉर्मल गार्डन सॉइल से इसमें चाहिए होगा, और एक पॉलीथीन में आपको इसे लपेटना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसको आप, इसके जो स्किन है आपको ऐसे एकदम काट देना होगा इसे चारों ओर से। ये देखिए एकदम ये कट चुका है चारों ओर से। तो इसमें आप अभी मिट्टी लगाएंगे। तो ये देखिए, इसमें इस थैले में मैं इस पॉलीथीन में मैं मिट्टी लाया हूँ, और फिर ऐसे करके आपको इसे लपेटना होगा ऐसे करके। जो बीच वाला पोर्शन का सॉइल जो है उसको आप ऐसे आपको इसे बांधना होगा ये देखिए। तो ये रेडी हो चुका है। आप इसको 1 मंथ के बाद हम इसे खोलेंगे। तो दोस्तों ये देखिए, ये 1 मंथ के बाद इसमें अभी रूट्स आ गए हैं। ये देखिए यहाँ पे रूट्स आने लगे हैं। तो आज मैं इसे लगाऊंगा। ये देखिए इसमें रूट आ रहा है। ये देखिए ये वाला रूट है, और ये देखिए ये प्लांट बन चुका है, अलग सा प्लांट। तो इसे मैं अभी ओपन कर रहा हूँ। ये देखिए ये देखिए इसमें कितना अच्छा रूट आ रहा है। ये देखिए तो इसे हम लगा देते हैं। इसमें हम वाटर दे देते हैं। ये देखिए रेडी है हमारा चेरी प्लांट एयर लेयरिंग करके। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।